अभी आप लोग बोलोगे तो उम्मीद करोगे पूरा देश सुने। आपके बगल में कोई 8 फीट पे बोल रहा है, उसको सुनने को राजी नहीं हो। ये बड़ी समस्या है। बोलना सबको है, सुनना किसी को नहीं है। सुन लो भैया। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, और इसका क्या नाम है? प्रद्युता। इसका भी तो घर का कुछ नाम रखा होगा। इसका दियू। दियू, तुम्हारा क्या नाम है घर का? मेरा तो घर का मानू। ये सब देखो, सोनू मानू, कितना प्यारा परिवार है यार आप लोगों का। क्या करते हो बहन? अभी तो बच्चे को देख रही हूँ, बाकी तैयारी कर रही। किस चीज की? ANGN। ANGN, ये क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए। जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर। आपने बीटेक किया है? हाँ, बीटेक सिविल में किया है। सिविल में बीटेक किया है। हाँ, पेपर लीक की वजह से रह गए एग्जाम। थोड़ा डांट दूं। अभी आप लोग बोलोगे तो उम्मीद करोगे पूरा देश सुने। आपके बगल में कोई 8 फीट पे बोल रहा है, उसको सुनने को राजी नहीं हो। ये बड़ी समस्या है। बोलना सबको है, सुनना किसी को नहीं है। सुन लो भैया। हाँ, तो आपका नाम है? मानवेंद्र सिंह। मानू। अरे मानू इतना प्यारा नाम है। और आपका नाम है? सानू। सोनू। अच्छा, सोनू जी ने सिविल से बीटेक किया है और सरकारी भर्ती की तैयारी कर रही, लेकिन पेपर लीक हुआ। बताइए कब लीक हुआ? 2020 में एक बार लीक हुआ। उस वक्त मतलब निकल रखा था, फिर वापस लीक हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैं गई थी, फिर सुनने में आया कि पेपर तो लीक हुआ है। जिन्होंने लिया उनका सिलेक्शन हो गया। जिन्होंने लिया मतलब? जिन्होंने पेपर खरीदा उनका सिलेक्शन हो गया। कितने में बिका पेपर? 20 लाख। 15 लाख। 15 लाख 20 लाख में पेपर बिका। ऐसे ही चलता रहता है इधर पेपर लीक का। तो कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, लास्ट में ये सुनने को आता है कि पेपर लीक हो गया। सरकारें इतनी ताकतवर दिखती हैं, इतना पावर है, पुलिस प्रशासन सब है, ये पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाती हैं? क्यों अशोक गहलोत पेपर लीक नहीं रोक पाए? ये तो मुझे आइडिया नहीं है। हमें तो यही लगता है सर, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है सर। पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा है, सब मिले हुए हैं सर। अब जैसे कि एग्जाम सेंटर्स पे तो बहुत कड़ी चेकिंग होती है, अंदर नहीं जाने देते, 5 मिनट लेट हो जाते तो भी दरवाजे बंद कर दिए जाते, लेकिन पेपर तो सर जहाँ से बनता है वहीं से आउट होता है। एग्जाम सेंटर्स पे थोड़ी ना आउट होता है सर, वहाँ पे तो सील पैक लिफाफे आते, पता नहीं कहाँ से आउट होता है। ये तो सरकार का विषय है सर, तो क्या करें। मुझे ये बताइए कि जैसे आप तैयारी कर रही हैं ना, बच्चा भी छोटा, कैसे ये सामंजस्य, तैयारी, घर, बच्चा, बहुत मुश्किल होता होगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ। तो हमने काम डिवाइड कर रखा है। हाँ। ये बच्ची सोती तब रात को मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा, फिर सुबह ये देखते हैं थोड़ा बच्ची को, ऐसा रोटेशन चलता है। रोटेशन चलता है। बिटिया माइक पकड़ रही है, इसके भी पत्रकार बनने की संभावना बढ़ रही है बहन जी। राय तो यही रहेगी, हाँ, कोशिश तो हमारी यही रहेगी पत्रकार ही बने। मत बनाइएगा। इसलिए नहीं कि ये इस पेशे में कोई कमी है, बहुत कमाल का पेशा है। और कोई पेशा ही नहीं है जिसे राजनेता डरते हो सर। अच्छा, एक ही तो पेशा है पत्रकारिता। हाँ। जिससे थोड़े बहुत राजनेता डरते। और आप इस प्रशासन से इतने छके हो कि आपको लग रहा है कि इनको डराए बिना काम नहीं चले। नहीं होगा सर। अच्छा, मेरी आपसे मानवेंद्र जी एक गुजारिश है, बिटिया को जो बनने का मन हो वो बनने दीजिएगा। लाइटर नोट कह रहा था। लाइटर नोट कह रहे थे। ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं। और ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में या और भी कोई मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा है, उसी कारण हम बेरोजगार है अभी तक, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक। आपको अशोक गहलोत की सरकार में एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ है जो ईमानदारी से हुआ है, सारे पेपर लीक हुए हैं, जिस कारण हम युवा लोग तैयारी करते ही रह जाते हैं। समय तो रुकता नहीं है ना, जिंदगी तो चलानी पड़ती है, हमको स्टेप्स तो लेने पड़ते हैं ना, दूसरे भी तो, शादी हुई लड़कियों को तो खासकर। तो जब 2000 आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हुई थी अभी 2022 में। 2022 आप तैयारी कर रही थी, फिर पेपर लीक हो गया, सब भर्ती डिले हो गई, फिर आपकी शादी हो गई। असिस्टेंट इंजीनियर में भी इंटरव्यू तक पहुंच के फिर रिजेक्ट हुई हूं। चलिए, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि पेपर लीक हुआ फिर हो जाएगा दोबारा, ये बात मुझे लगातार प्रदेश दर प्रदेश लड़कियों ने ये बात कही कि हमें घर से बड़ा फिक्स समय मिलता है तैयारी का, हमारे पास लड़कों के मुकाबले कम बरस होते हैं तैयारी करने के, क्योंकि घर वालों पे भी दबाव होता है, शादी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसलिए मैं इतना कुरेद के पूछ रहा था आपसे।